वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ इज अजय मेहोत्रा। हम लोग अपने इस चैनल पर गणित और फिजिक्स के तमाम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तमाम जो पाठ्यक्रम है इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम बीच बीच में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो गणित से जुड़ी हुई ऐसी हैं जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी समझ में नहीं आता है। हम लोग किसी भी ग्राफ की चर्चा करें, किसी गुणनखंड की चर्चा करें, इवन देन गुणा भाग में भी लोगों को दिक्कत होती है। तो इसी क्रम में हम थोड़ी सी चर्चा आज ग्राफ की कर रहे हैं कि हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है और कम से कम विज्ञान वर्ग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ग्राफ जानना, ग्राफ खींचना बहुत आवश्यक है। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम ग्राफ की करेंगे कि ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए कोऑर्डिनेट का जानना बहुत आवश्यक है और कोऑर्डिनेट आप जानते हैं थोड़ी बहुत ही जानने की जरूरत है। एक इस प्रकार से एक्सिस होता है जिसको हम क्रमशः एक्स और वाई अक्ष कहते हैं। एक्स की ऋण डायरेक्शन, वाई की माइनस डायरेक्शन, x की पॉजिटिव, y की पॉजिटिव, x की निगेटिव और y की निगेटिव। यानी इधर जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, धन चिन्ह के साथ में। इधर की दूरियां भी धन चिन्ह के साथ होंगी, इधर की दूरियां माइनस साइन के साथ होंगी और इधर की दूरियां माइनस साइन के साथ। अब हमारा जो ये क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और इसी क्रम में ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। जो ये कोऑर्डिनेट है ये हमेशा जीरो जीरो होता है, इसको ओरिजिन कहा जाता है यानी मूल बिंदु कहते हैं। ये चूंकि धन दिशा है, एक्स धनात्मक होगा वाई ऋणात्मक होगा, यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस प्लस होता है। यहाँ कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस प्लस होगा, एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक। ये तीसरा चतुर्थांश है, एक्स भी माइनस है वाई भी माइनस है, इसलिए ये दोनों माइनस माइनस होंगे। ये चौथा चतुर्थांश है जहाँ एक्स प्लस है वाई माइनस है, तो यहाँ हमारा चिन्ह जो होगा वो प्लस माइनस होगा। इस प्रकार से ये बात हुई एक चतुर्थांश की। चतुर्थांश में कौन सा बिंदु चिन्ह के साथ किस चतुर्थांश में अंकित होगा, इसकी मूल बिंदु क्या है, इसकी चर्चा होगी। धन दिशा किधर होगी, ऋण दिशा किधर होगी, इसकी चर्चा होगी। अगर एक्स अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष पर वाई का मान सदैव जीरो होगा और वाई अक्ष पर एक्स का मान सदैव जीरो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, एक्स का मान वाई अक्ष पर जीरो होगा और वाई का मान एक्स अक्ष पर जीरो होगा। ग्राफ खींचते समय इसकी चर्चा जरूर करनी है, बिना इसके हमारा ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो ये बात हुई थोड़ी सी कि हम किस प्रकार से क्वाड्रेंट, किस प्रकार से हम किसी निर्देशांक को जानेंगे, निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे। अब हम सबसे पहले कोई सरल ग्राफ शुरू करते हैं। एक रेखा का ग्राफ जो है वो सबसे सरल होता है और कोई हम अगर रेखा खींचें, एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर सात का आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण दिया है वो एक घातीय है या द्विघातीय है। दो चर तो निश्चित रूप से होंगे, एक x होगा एक y होगा, क्योंकि टू डायमेंशन फिगर की ही हम बात कर रहे हैं, द्विविमीय तल x y एक्सिस। तो अगर हम द्विविमीय तल पर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से x y दोनों होगा। भुज और कोटि, एप्सिसा और ऑर्डिनेट हमारे पास होंगे, तो ये x प्लस वाई बराबर सात हो गया और हमको इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम पक्षांतर कर लेंगे, y बराबर सात माइनस एक्स, और इसके बाद हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका होगा। इस तरीके से आप एक बॉक्स में, और बॉक्स बनाने के बाद इसमें कम से कम तीन भाग खींचिए, इधर से भी
तीन भाग बनाएंगे, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया और यहाँ बिंदु। एक्स को जीरो रख दीजिए, वाई सात हो जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो वाई सात हो जाएगा और आपका बिंदु हो गया जीरो सात एक। हमेशा एक्स पहले लिखिए, वाई बाद में लिखिए ताकि बिंदु लिखने में दिक्कत ना हो। और फिर यहाँ पर एक्स वाई को जीरो रख दीजिए, जब वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स सात हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए बता रहे हैं, जो रेखिक ग्राफ होंगे यानी एक घात का अगर दो चरों का समीकरण दिया है उसकी, एक घात का कोई दो चर का समीकरण दिया है तो उसका ग्राफ खींचने के लिए हम x को जीरो रख देंगे y मिल जाएगा, फिर y को जीरो रख देंगे x मिल जाएगा। इसकी बहुत जरूरत होनी है हमको लग रहा है, 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में इसकी जरूरत होनी है और आगे उच्च शिक्षा में भी ग्राफ के बिना काम नहीं चलना। अब आपके पास दो बिंदु हो जाते हैं और हम एक क्वाड्रेंट खींच लेते हैं, एक्स वाई तल खींच लेते हैं, उस क्वाड्रेंट को बड़ा खींचते हैं चतुर्थांश को जिसका बिंदु ये दिया है। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सब धन वाले ही हैं, एक्स जीरो है और एक जगह वाई जीरो है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पर आप बराबर बराबर बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आपको नहीं खींचना है, ग्राफ पर खींचते हैं तो लाइन बनी होती है वहां, यहाँ हमको ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, अब हमको कॉपी पर ही अपनी जो हमारा पेज है उस पर ही खींचना है। तो चूंकि हमको अधिकतम दूरी सात चाहिए तो इस पर आप सात खाने बना लें, दो तीन चार पाँच छ सात, इसी प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छ सात, जीरो सात माने एक्स जीरो है वाई सात है, ये बिंदु हमारा ये हो जाएगा ए, एक्स का मान जीरो वाई एक्स पर होता है, इसी प्रकार से ये सात जीरो है तो ये बिंदु हमारा ये हो जाएगा और हमारा ये बी है। अब हम जब इसको मिला देंगे तो ये हमारी एक लाइन हो जाएगी जो दी गई रेखा का आलेख होगा, ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ था इसका आलेख ये हो जाता है। ये हमने चर्चा की, एक घात वाला कोई समीकरण है, दो चरों का एक घातीय समीकरण है तो उसका हम आलेख कैसे खींचेंगे, बहुत सिंपल है, इससे आसान तरीका मुझे लगता है शायद कोई नहीं हो सकता है। जब हम एक बार एक्स को जीरो रख देंगे, एक बार वाई को जीरो रख देंगे और हमको पॉइंट मिल जाएगा, अगर इसी में कोई ऋणात्मक पॉइंट मिलता है तो हम इस क्वाड्रेंट के अनुसार ऋण डायरेक्शन में जो भी होगा उसको पॉइंट फाइंड करके और फिर हम ग्राफ खींच सकते हैं, हमेशा ओरिजिन ओ यानी जीरो जीरो ही होता है। अब अगर एक दो घात का है, एक क्वेश्चन है y स्क्वायर बराबर x का आलेख खींचिए, तो अगर ये आलेख हमको खींचना है y स्क्वायर बराबर x दिया है तो यहाँ पर भी पॉइंट हमको उसी तरीके से फाइंड करना होगा, लेकिन थोड़ी समस्या ये है कि एक एक घात है और एक दो घात, उसी प्रकार से हम बिंदु प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हमको दो तीन से काम नहीं चलेगा, कुछ ज़्यादा बिंदु फाइंड करने होंगे, कम से कम चार ले लेते हैं, एक एक्स हो गया वाई हो गया और यहाँ। अब हम x का मान अगर जीरो रखते हैं तो y जीरो मिलेगा, यानी हमारा जो पॉइंट हो गया वो जीरो जीरो हो गया, जरूरी नहीं है कि जीरो जीरो से होकर जाए, इस वक्र की बात कर रहे हैं, ये जीरो जीरो से होकर जाएगा। अब अगर हम x को एक रखते हैं तो y हमारा एक भी होगा माइनस एक भी होगा, यानी x का एक मान जब हम रखेंगे तो y का मान हमको प्लस एक भी मिलेगा और माइनस एक भी मिलेगा, यानी अगर हम y को एक रखते हैं तो x एक मिलेगा और y को माइनस एक रखते हैं तब भी x एक मिलेगा, यानी एक बिंदु हमारा एक एक हो गया और एक एक माइनस एक हो गया, ये भी हो गया ये c। इसी प्रकार से जब हम y को दो रखेंगे तो x का मान चार मिलेगा और जब y को माइनस दो रखेंगे तब भी x का मान हमको चार ही मिलेगा, तो एक बिंदु ये हो गया चार दो और एक हो गया चार माइनस डी और ए। इस प्रकार से हमको ये पांच बिंदु मिल गए और अब हम इनका ग्राफ
उसी प्रकार से खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने का जो तरीका है वो हम आपको चर्चा कर चुके हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पहला बिंदु 0 0 है, इसको हम यहीं लिख लेते हैं, और बाकी चूंकि अधिकतम 4 है और एक्स और वाई, वाई पर 2 है, एक्स पर 4 है, तो 1 2 3 4 और 1 2 और फिर यहाँ 1, अगर इधर भी खींच रहे हैं तो 1 2 3 4 चार ही बना लेते हैं सब पर। और फिर अब हम ढूंढते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ होगा। बी 1 1 है, 1 1 माने ये बिंदु हो गया 1 1, एक्स पर 1 और वाई पर 1, तो ये परपेंडिकुलर हम ऐसे खींचते हैं और जहाँ ये प्रतिच्छेदित करते हैं वही बिंदु हमारा हो जाता है, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, यानी 1 1 ये बिंदु हमारा हो जाता है। इसी प्रकार से यानी ये बी हो गया। सी कहाँ होगा, एक्स धनात्मक है, वाई ऋणात्मक है, यानी चौथा चतुर्थांश होगा। एक्स एक है, वाई भी एक है, यानी ये एक और ये एक, ये बिंदु हमारा सी है। डी कहाँ होगा, प्लस प्लस है, एक्स 4 है और वाई 2 है, यानी हमारा ये बिंदु हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से, तो ये डी हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगर ई की बात करें तो ई हमारा कहाँ होगा, एक्स 4 है और वाई माइनस 2 है, यानी x 4 है तो x 4 ये हो गया, y माइनस 2 है ये हो गया, यानी ये हमारा e। अब हमारे पास ये सब बिंदु जितने दिए थे हमने प्लॉट कर लिया, इनको हम मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व इस प्रकार से खींच देते हैं, ये हमारा इस तरीके से हम मिला रहे हैं, और ये यहाँ से मिलाते हुए और इसको हम इधर से मिला देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये एक वक्त तैयार हो जाएगा। ये परवलय कहलाता है, ये जो आकृति बन रही है कुछ इस प्रकार से आकृति बन रही है, ये इसको हम पैराबोला यानी परवलय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ हो जाता है। ग्राफ स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग उसको नहीं खींच पाते हैं कि कैसे खींचा जाए, तो हमने थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार से की कि हम आलेख कैसे खींचें। दो चर दिए होते हैं, एक चर का मान रखते हुए दूसरे चर के हम 4 5 2 3 कुछ मान प्राप्त कर लेते हैं और उनको हम एक्स वाई क्वाड्रेंट पर इस प्रकार से प्लॉट कर देते हैं और उनको मिलाते हुए कर्व बना देते हैं, तो वो हमारा दिया गया जो समीकरण है उसका आलेख हो जाता है। तो थोड़ी सी चर्चा हमने इस प्रकार से आलेख बनाने की, सभी कक्षा के छात्रों के लिए ये बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ बेसिक पॉइंट्स की चर्चा भी करते रहेंगे और आप अपनी गणित को अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर पाएंगे। जो कमज़ोर छात्र हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो स्टडी क्लासेस पर इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए, आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनका बेहतर लाभ मिल सके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार से आप इनके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहेंगे और इनका बेहतर लाभ ले पाएंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।